तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको मोरनी इलेक्ट्रिक ई रिक्शा आपको कुछ इस तरह का मिलता है। अगर आप चाहते हैं इसे फाइनेंस करना तो लगभग आपको 30 से 35,000 रुपए डाउन पेमेंट करना होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो इसकी मोटर दिया गया है ये आपको 1140 वाट का BLDC मोटर मिलता है। देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको दो बैटरी मिलती है इधर, और दो बैटरी आपको यहाँ पे मिल जाती है जो की ईस्टमैन कंपनी तरफ से आता है। अच्छी बात है कि इसमें आपको ईस्टमैन का बैटरी और ईस्टमैन का ही चार्जर यहाँ पे ऑफर किया गया है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोनू, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे लग चुका है मोरनी इलेक्ट्रिक ई रिक्शा, और देख सकते हैं यहाँ पे हम आ चुके हैं पटना बिहार के अंदर। और बिहार के अंदर ये जो गाड़ी है इलेक्ट्रिक ई रिक्शा है मोरनी का, ये काफी ज्यादा चर्चित में है, काफी ज्यादा चर्चे में है। तो यहाँ पे इसका आज हम लोग रिव्यू करेंगे और बताएंगे इसकी ऑन रोड प्राइस, माइलेज, फीचर्स, स्पेक्स, कितनी रेंज मिलने वाली है, और आप इसे फाइनेंस कैसे करा सकते हैं, और कम से कम कितना डाउन पेमेंट देना होगा इसे फाइनेंस कराने के लिए। तमाम सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से इस मोरनी इलेक्ट्रिक ई रिक्शा की देने वाले हैं। तो बने रहिए आखिर तक इस वीडियो में, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। ओके, तो यहाँ पे हमारे सामने है मोरनी इलेक्ट्रिक ई रिक्शा। ये जो मॉडल है मोरनी डिलक्स के नाम से आता है। देख सकते हैं इसमें आपको कई सारे कलर ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे सामने ब्लू कलर का लगा हुआ है जो कि स्टेनलेस स्टील के बॉडी के साथ आता है। सबसे पहले अगर बात करें इसकी चाबी की तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको चार चाबी मिलती है, जिसमें आपको दो मिल जाते हैं मैनुअल की और दो मिल जाते हैं यहाँ पे आपको सेंटर लॉकिंग चाबी। देख सकते हैं कुछ इस तरह का मिलता है, यहीं से आपने चाहे तो लॉक अनलॉक इस इलेक्ट्रिक रिक्शा को कर सकते हैं। और बात करें इसकी फ्रंट लुक की तो देख सकते हैं यहाँ पे जो इसकी फ्रंट लुक है ये आपको काफी खूबसूरत देखने में मिलता है। फ्रंट में देखिएगा तो यहाँ पे मिल जाते हैं आपको काफी बड़ा सा इसमें विंड स्क्रीन, और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इसमें सिंगल वाइपर इसे क्लीन करने के लिए। नीचे तरफ देखिएगा तो यहाँ पे आपको मोरनी का ब्रांडिंग मिलता है कुछ इस तरह के, जिसके नीचे आपको LED लाइट भी मिलता है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो विंड स्क्रीन है इसका जो फ्रेम है ये आपको स्टेनलेस स्टील का मिलता है, और काफी मजबूत देख सकते हैं यहाँ पे आपको बिल्ड क्वालिटी के साथ ये जो गाड़ी है मिलने वाला है। नीचे तरफ देखिएगा तो यहाँ पे आपको LED में इसके LED DRL लाइट्स मिल जाते हैं, और LED में इसके हेडलाइट सेटअप मिलते हैं। यहाँ पे लग जाएगा आपको नंबर प्लेट। इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आपको काफी मजबूत टेलीस्कोपिक शॉक सस्पेंशन मिलता है जो कि कॉइल स्प्रिंग के साथ आता है। देख सकते हैं काफी मजबूत यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक शॉक सस्पेंशन मिल जाने वाला है। टायर की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको C8 का टायर मिलता है। टायर साइज आपको 3/75/12, यानी कि जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक ई रिक्शे में टायर आता है वही सेम टायर आपको यहाँ पे मिलने वाला है, और इसमें आपको ब्लैक कलर के स्टील रिम मिल जाता है। शॉकर के ऊपर देखिएगा तो यहाँ पे मिलते हैं आपको स्पीको की ब्रांडिंग। और ये जो इलेक्ट्रिक रिक्शा है देख सकते हैं इसमें आपको फ्रंट में जो फेंडर है ये आपको स्टेनलेस स्टील का मिलता है, यानी कि जो जंग वगैरह लगने का जो प्रॉब्लम होता है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। और यहाँ पे भी आपको स्पीको की ब्रांडिंग मिलती है। फ्रंट में देखिए तो यहाँ पे आपको सिल्वर कलर के 130 mm के ड्रम ब्रेक सिस्टम मिलता है, और इसमें आपको मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाते हैं। इधर देखिए तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्टेनलेस स्टील का काफी बढ़िया से आपको बिल्ड क्वालिटी का यहाँ पे इसका जो फ्रेम वगैरह मिलता है। और इधर देखिएगा तो यहाँ पे भी आपको DRL लाइट्स मिल जाते हैं, और जो इसका टर्न इंडिकेटर लाइट है ये आपको LED के फॉर्म में मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको सेफ्टी गार्ड मिल जाता है, और इधर मिल जाएगा आपको मोरनी डिलक्स की ब्रांडिंग। और कुछ इस तरह का देख सकते हैं यहाँ पे आपको मोर का जो है यहाँ पे ग्राफिक्स देखने को मिलता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो इसकी फ्रंट लुक है ये आपको काफी खूबसूरत देखने में मिलता है, और ऊपर तरफ भी मिल जाएगा आपको मोरनी का ब्रांडिंग और टैक्सी लाइट ऊपर तरफ मिलता है। और देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो है ये सीट का इसमें आपको देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह का रूफ मिलता है, और ऊपर तरफ आपको कैरियर लगेज मिल जाता है जिसमें आपने चाहे तो पैसेंजर का सामान वगैरह को भी आसानी से रख सकते हैं। इस साइड मिल जाता है आपको मोरनी के ब्रांडिंग, देख सकते हैं मोरनी डिलक्स लिखा हुआ है। और इधर देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो इसका कैनोपी है जो इसका पर्दा है ये आपको काफी बढ़िया क्वालिटी का रेसिंग के साथ मिलता है, और चार्जर मिल जाते हैं आपको, ग्रैब हैंडल्स। साइड प्रोफाइल देख सकते हैं यहाँ पे जो इस इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर का है कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको इसका साइड प्रोफाइल मिलता है। साइड में भी यहाँ पे आपको मोरनी डिलक्स का ब्रांडिंग मिल जाता है, और काफी मजबूत देख सकते हैं यहाँ पे काफी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी के साथ जो स्टेनलेस स्टील इस्तेमाल किया गया है ये आपको काफी जो है बढ़िया क्वालिटी का किया गया है, जिसमें आपको जंग वगैरह लगने की कोई परेशानी नहीं आने वाली है। और नीचे तरफ देखिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्रोम का गार्निश यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, और इधर देखिएगा तो यहाँ पे भी आपको स्टेनलेस स्टील का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। इसमें देख सकते हैं यहाँ पे आपको साइड में जो इसका मैट है ये आपको काफी बढ़िया क्वालिटी का इसमें मैट भी मिल जाता है। पीछे के टायर की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको पीछे भी वही टायर मिलता है जो कि C8 कंपनी का आता है, और पीछे भी आपको 3/75/12 का टायर मिलता है, और इसमें मिलते हैं आपको क्रोम फिनिशिंग में। देख सकते हैं इसका जो व्हील कैप है ये आपको काफी खूबसूरत मिल जाता है, और इसमें मिल जाते हैं आपको मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम। इस साइड देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको मोरनी का ब्रांडिंग मिलता है, और कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको इसका साइड प्रोफाइल मिलने वाला है।
पीछे से देखिएगा तो देखिए यहाँ पे पीछे से भी आपको जो इसका लुक है ये आपको काफी खूबसूरत मिल जाता है। और यहाँ पे मिल जाता है आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप, पीछे तरफ भी आपको कर्टन वगैरह कुछ इस तरह का पर्दा मिल जाता है, यहाँ पे मॉर्निंग का ब्रांडिंग मिल जाएगा। और इधर देखिएगा तो यहाँ पे जो इसकी स्पेयर व्हील है उसका जो कवर है तो काफी बढ़िया क्वालिटी के साथ यहाँ पे आपको मिलने वाला है। और इसमें भी आपको सीएट का ही टायर मिलने वाला है जो कि 3/75-12 साइज का आता है। और नीचे तरफ देख सकते हैं यहाँ पे जो इसका टेल लाइट सेटअप है ये देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह का मिलता है। यहाँ पे मिल जाएंगे आपको टर्न इंडिकेटर लाइट, यहाँ पे मिल जाते हैं आपको ब्रेकिंग लैंप, पार्किंग लैंप आपको कुछ इस तरह का मिलेगा। और देख सकते हैं पीछे भी आपको बम्पर जो दिया गया है ये कुछ इस तरह का दिया गया है जो कि आपकी सेफ्टी को काफी ज्यादा इन्हांस कर देता है। इधर देखेंगे तो यहाँ पे आपको लग जाएगा नंबर प्लेट, यहाँ पे नंबर प्लेट लाइट मिलता है जो कि एलईडी के फॉर्म में है। और यहाँ पे आपको मोनी डिलक्स की ब्रांडिंग मिलती है और दो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिलते हैं। नीचे तरफ देखिए तो यहाँ पे आपको कमानी पट्टी और डुअल शॉक सस्पेंशन मिल जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो इसकी मोटर दिया गया ये आपको 1140 वाट का BLDC मोटर मिलता है। अदर ब्रांड में देखिएगा जैसे कि यात्री या मयूरी कंपनी आता है उसमें देखिएगा तो आपको 900-1000 वाट का मोटर मिलता है, लेकिन इसमें आपको 1140 वाट का मोटर यहाँ पे ऑफर किया गया है। और अगर बात करें इसकी पैसेंजर साइड केबिन की तो देख सकते हैं यहाँ पे जो इसकी पैसेंजर केबिन है ये आपको काफी स्पेसियस मिलता है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप 2 से 3 पैसेंजर और 2 से 3 पैसेंजर आप यहाँ पे आसानी से बैठा सकते हैं क्योंकि इसका जो केबिन है ये आपको काफी स्पेसियस मिलता है। ऐसे तो इसमें 4+1 का सीटिंग कैपेसिटी मिलता है यानी 4 पैसेंजर और 1 ड्राइवर का सीटिंग कैपेसिटी मिलता है, लेकिन आप उससे भी ज्यादा के यहाँ पे आसानी से इसे बैठा सकते हैं। पैसेंजर सीट के नीचे देखिएगा तो यहाँ पे आपको 2 बैटरी मिल जाती है, देख सकते कुछ इस तरह का आपको 2 बैटरी मिलती है इधर और 2 बैटरी आपको यहाँ पे मिल जाती है जो कि ईस्टमैन कंपनी तरफ से आता है। और इसमें मिल जाते हैं आपको ईस्टमैन के 4 135 AH के बैटरी मिलते हैं। और आप इसे एक बार 8 से 9 घंटा फुल चार्ज करते हैं तो लगभग 100 से 120 किलोमीटर तक की आसानी से यहाँ पे आपको रेंज मिल जाने वाली है। फ्रंट में अगर आप ड्राइवर साइड केबिन देखेगा तो ये भी आपको काफी स्पेसियस यहाँ पे मिलने वाला है। देख सकते हैं यहाँ पे आपको सेफ्टी के लिए कुछ इस तरह का गार्ड मिल जाता है जो कि काफी मजबूत है। और चेसिस देख सकते हैं कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको चेसिस का जो है इस्तेमाल किया गया है। नीचे से भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कुछ इस तरह का आपको चेसिस वगैरह मिलता है। इधर भी आपको मिल जाएंगे मैट। और ड्राइवर सीट के नीचे देखेगा तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको कंट्रोलर मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको हॉर्न वगैरह मिलता है, यहाँ पे आपको मिल जाता है एनसीबी। और इधर देखिएगा तो यहाँ पे आपको जैक दिया गया है, टूल्स वगैरह मिल जाते हैं और फर्स्ट एड किट मिल जाता है। और इसमें एक अच्छी बात है कि इसमें आपको ईस्टमैन का बैटरी और ईस्टमैन का ही चार्जर यहाँ पे ऑफर किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे आपको 18 एम्पीयर का चार्जर मिलता है। अगर इससे आप बैटरी को चार्ज करते हैं तो लगभग आपको 7 से 8 घंटा लगेगा इस बैटरी को चार्ज करने में। हैंडल बार के ऊपर देखिएगा तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कुछ इस तरह का क्रोम में इसका हैंडल मिलता है। इस साइड मिल जाएगा आपको लाइट ऑन ऑफ का स्विच, इधर मिल जाता है आपको हाई बीम लो बीम का, और इधर मिल जाता है आपको टर्न इंडिकेटर लाइट का स्विच। और यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे आपको तो कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको हॉर्न दिया गया है। इस साइड देख सकते हैं यहाँ पे आपको फ्रंट ब्रेक का लीवर मिलता है और यहाँ पे आपको फ्रंट और रिवर्स करने के लिए कुछ इस तरह का स्विच मिल जाता है। सेंटर में देखिएगा तो यहाँ पे आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है जिसमें आप अपने स्पीड देख सकते हैं, ट्रिप देख सकते हैं और बैटरी का जो है लेवल आप यहाँ पे देख सकते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे आपको हाई बीम लो बीम का यहाँ पे इंडिकेशन मिलता है और गाड़ी जो है चलने के लिए रेडी है, तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको रेडी लिखा हुआ मिल जाएगा। और इस साइड देखिएगा तो यहाँ पे आपको वाइपर का मोटर मिलता है, वाइपर का जो कंट्रोल है आप यहीं से कर सकते हैं, यहाँ पे आपको बटन मिल जाता है जिससे आप चाहें तो जब जरूरत पड़े तो आप अपने वाइपर को यहाँ से आसानी से चला सकते हैं। ऊपर से देख सकते हैं कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको इसका स्टेनलेस स्टील का फ्रेम मिल जाता है। और इस साइड देख सकते हैं यहाँ पे आपको म्यूजिक प्लेयर सिस्टम भी यहाँ पे ऑफर किया गया है, जैसे काफी बढ़िया क्वालिटी का यहाँ पे आपको म्यूजिक प्लेयर सिस्टम मिल जाता है जिसमें आपको ब्लूटूथ, FM रेडियो और यहाँ पे आपको मेमोरी कार्ड लगाने का भी ऑप्शन मिलता है। ऊपर तरफ मिल जाते हैं आपको एक LED में इसका केबिन लाइट, देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इसमें केबिन लाइट ऑफर किया गया है जो कि रात के समय आपके काफी काम आने वाला है। और जो इसका ORVM है देख सकते हैं यहाँ पे आपको काफी बड़े साइज का काफी बढ़िया विजिबिलिटी के साथ ये आपको ORVM यहाँ पे ऑफर किया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको मोर्नी इलेक्ट्रिक रिक्शा आपको कुछ इस तरह का मिलता है। अगर बात करें इसकी रेंज की तो अगर आप इसे एक बार फुल चार्ज करते हैं तो लगभग आपको 100 से 120 तक की माइलेज मिल जाएगी क्योंकि इसमें आपको 135 AH की बैटरी मिलती है जो कि काफी बढ़िया आपको यहाँ पे रेंज निकाल के देने वाली है। स्पीड की बात करें तो यहाँ पे आपको 30 से 35 तक की टॉप स्पीड मिलती है। अगर बात करें इसकी कीमत की तो यहाँ पे जो इसकी ऑन रोड प्राइस है वो लगभग 1,80,000 रुपये पटना बिहार में इसकी ऑन रोड प्राइस आती है। अगर आप चाहते हैं इसे फाइनेंस कराना तो लगभग आपको 30 से 35 हज़ार रुपये डाउन पेमेंट करना होगा, उसके बाद आप इसे आसानी से फाइनेंस करा सकते हैं। अगर आप इसमें स्टेनलेस स्टील वाला नहीं लेते हैं, अगर आयरन बॉडी वाला लेते हैं तो जो ऑन रोड प्राइस है वो लगभग 1,75,000 रुपये आता है, उसे लगभग आपको फाइनेंस कराने में 25 से 30 हज़ार रुपये लगेगा, उससे भी आप यहाँ पे आसानी से फाइनेंस करा सकते हैं। अगर बात करें इसकी वारंटी की तो यहाँ पे जो इसकी बैटरी दी गई है ईस्टमैन की उसकी वारंटी लगभग आपको 15 मंथ की मिलती है और जो इसके टायर की वारंटी है वो लगभग आपको 6 मंथ की मिलती है और कंट्रोलर मोटर की आपको 6-6 मंथ की मिलती है और जो गाड़ी की चेसी है उसकी आपको 1 साल की मिलती है और जो चार्जर है उसका भी आपको 1 साल की वारंटी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। ओके, तो उम्मीद करते हैं तमाम सारी जानकारी आपको इस मोर्नी डिलक्स इलेक्ट्रिक ई-रिक्शा के हमारे वीडियो के थ्रू मिल चुकी होगी। अगर आप चाहते हैं इस इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर को लेना
तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। अगर आप इसका डीलरशिप भी लेना चाहते हैं, अगर आप इसका एजेंसी चाहते हैं खोलना, तो इस नंबर पे आप कॉल करके यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। ओके, तो मिल करते तमाम सारी जानकारी आपको इस मयूर डीलक्स की हमारे वीडियो के थ्रू मिल चुकी होगी। इसी के साथ खत्म करते हैं आज का ये वीडियो, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।